नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं UP SSC यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बात। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट क्लर्क असिस्टेंट ग्रेड थर्ड रिक्रूटमेंट जो 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें कि UP SSC के AG से एग्रीकल्चर से जो क्लर्क डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आती है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है और ये UP SSC के थ्रू करवाई जा रही है। और साथ ही साथ ये उन कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने पेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम आपके लिए जो वैकेंसी लाए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी सीट है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों देखिए, हम लोग UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुके हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये सारी है डिटेल्स, ठीक है। चलिए आपको UP SSC की वेबसाइट पे जाना है, UP SSC SSS डाल करके आप वहाँ पे ओपन कर सकते, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपको किस तरह से खुलेगा और कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ गया 19/3/2023 को विज्ञापन संख्या राजस्व लेखपाल। आगे यहाँ पे देखिए मुख्य सेविका का आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन जो आपके फॉर्म निकले हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जस्ट एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन आपको देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023। देखिए ऑब्लिक सन की बात की जाए, समिष्ट कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड, यानी असिस्टेंट और जो जूनियर असिस्टेंट थे और सहायक असिस्टेंट के थर्ड की भी वैकेंसी है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो विज्ञापन निकला था वो 4 तारीख को निकला था, ऑनलाइन जो है 12 तारीख से स्टार्ट, यानी 12 सितंबर की बात करें तो 12 सितंबर से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है और लास्ट डेट है 3/10, ठीक है, यानी 3 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके जो फॉर्म में अगर संशोधन की बात की जाए तो आप 10 तक इसका संशोधन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आपको दिखा दें दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस निकल के आई है वो इसके लिए यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या, यहाँ देखिए लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8/2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर थर्ड के कुल रिक्त 3768 दोस्तों 3768 सामान्य चयन और कनिष्ठ, यानी देखिए जो यहाँ पे कनिष्ठ सहायक हैं उनके लिए 63 चयन और 3831 पदों पर चयन हो तो भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 3831 पदों पर चयन किया जाएगा। टोटल यहां पे सम्मिलित का हायर सैनिकी की लिपिक स्तर की मुख्य परीक्षा जो है दोस्तों, ये अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हत परीक्षा के द्वारा किया जाए। प्रारंभिक अर्हत परीक्षा का मतलब होता है अगर आपने 2022 का PET दिया है, ठीक है, अगर 2022 का आपने पेट दिया है तो उस पेट के अकॉर्डिंग ही आपके शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलियम एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का दिया होगा। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा अर्हता यानी PET 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे, यहाँ पे 0 है यानी 0 जिनके नंबर हैं, जिनके 1-2 भी नंबर है उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ इनकी बातों से क्लियर निकलता है कि हाई मेरिट जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपके मार्क्स 60% से अबव है तो आप इसके लिए योग्य घोषित किए जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन या वैवाधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य विभिन्न परीक्षा आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति
इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी अंगेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन, मतलब जो भी नोटिफिकेशन वहाँ से आया है, और आप इसको अच्छे से भर सकती हूँ। जहाँ तक कि फ़ीसों की बात की जाए तो दो इसमें आपको सिर्फ अभी तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए 25 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ये जो होता है ये मतलब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, उसके बाद जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है कि आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं यानी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए फिर आपको उसकी जो फ़ीस होती है आपको देना होगा। जैसे 95 रुपीज़ फ़ीस होती है, 105 रुपये या 150 रुपये जो भी इसकी फ़ीस है नियर अबाउट, यानी आपकी जो फ़ीस होती है उस फीस के अंतर्गत आपको आगे की पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ये दिखा रहा हूँ, और आप साथ ही साथ बता दें कि कैटेगरी वाइज भी होती है ये। ठीक है, तो लास्ट में मैं फ़ीस के लिए भी कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पेट क्वालिफाई हैं उनके लिए यानी सामान्य के लिए 25 रुपये शुल्क दिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग 25, अनुसूचित जात 25 और अनुसूचित जनजात किसी भी कैटेगरी के हों आपको 25 रुपये इनको देना होगा, यानी आपको फीस 25 रुपये पेमेंट करनी होगी रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में। ठीक है, आगे की बताता हूँ दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ये रहा आपका फॉर्म भरने का। ठीक है, आप यहाँ हैं, ये देखिए एग्ज़ाम 12/9/2023 आपको करना क्या है, सीधे आपको यहाँ पे अप्लाई पे जा कर के क्लिक कर देना है। ठीक है, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसके वेबसाइट में, ठीक है, सर्वर स्लो होने की वजह से काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद आपका जो है फॉर्म खुल के आएगा, आपको पेट का जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ डालना है और उसी के बेस पे फॉर्म आपका फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, ये रहा देखिए आपका जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क थर्ड। ठीक है, यहाँ सबमिशन एप्लीकेशन है, आप इसके साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, ओपन हो रहा है, ये देखिए खुल के आ गया। कह रहा है यहाँ कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित विवरणों का आपके पास होना आवश्यक है। देखिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट, डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट, और यहाँ पे तो देखिए दोस्तों ये आपका खुल के आ गया सामने। अगर आप इस पर एग्री हैं, घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन लेटर जो है अगर आप इस पर हैं तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होता है। देखिए ठीक है, ये आपका फॉर्म खुल गया और ये पूछ रहा है आप थ्रू पर्सनल डिटेल या थ्रू ओटीपी के डिटेल, यानी आप देखिए यहाँ एप्लीकेशन अटेंशन विद द प्रीलिमिन एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी पैट के थ्रू आप करना चाहते हैं कि आप पर्सनल डिटेल देंगे या थ्रू ओटीपी देंगे। अगर पर्सनल डिटेल के साथ करते हैं तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, देखिए यहाँ पे पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर, पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर, साथ ही आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपके साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, आप डू यू यूपी करते हैं, कैटेगरी वाइज करते हैं, और यहाँ पे एक कैप्चा है, इसको दे करके आगे के क्लिक ऑफ हेयर प्रोसेसर करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके साथ इतनी सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी और चीज़ की प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में या किसी चीज़ में समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि सीटों की संख्या इस बार बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही साथ मैं एक और नए वीडियो के साथ लेके आऊँगा कि कितने अटैम्प्ट होंगे, कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों के लेकर हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रिपरेशन के थ्रू सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आप अपनी जगह बना सके इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।